green chili, coriander, ginger, jeera, namak, salt, sabudana, potato. बॉयल आलू लिया हुआ है, इसको हम छील लेंगे और घिस लेंगे, अच्छे से घिस लेंगे, मसल सकते हैं लेकिन घिसने से ज़्यादा अच्छा बनेगा। और ये हमारा साबुदाना है, इसको हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है और थोड़ी देर ही उसके बाद इसको मिक्सर में पीस लिया है। अब इसको हम आगे का प्रोसेस करेंगे। आलू को हमने छील कर अच्छे से घिस लिया है और इसमें हमने साबुदाना जो पीस के रखा है, पहले साबुदाने को रोस्ट किया, रोस्ट करने के बाद मिक्सर में पीस लिया, उसे हम इसमें मिला देंगे। समझिए, आधा किलो आलू में हमने कम से कम एक कटोरी, एक बाउल साबुदाना मिक्स किया है। और हमने अदरक घिस के रखी थी वो डाल देंगे, हरी मिर्च काट के रखी है वो डाल देंगे और हरी धनिया की पत्तियाँ इसको डाल देंगे। और इसके बाद हम जीरा, आधी चम्मच जितना जीरा डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और ये जो हरी मिर्च है आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं, क्रश करके डाल सकते हैं, और जो है हमने अपने हिसाब से मिर्ची डाली, आप कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम बांध लेंगे सारे मिर्चीजों को मिलाकर। ये देखिए, ऐसे हमने आलू को बांध लिया है पूरा लोट जैसा। अब इसको हम एक बर्तन में ढक कर, पहले तेल लगाएंगे इस पर और फिर बर्तन में रख कर ढक कर रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। ये देखिए, हमने इसमें शिफ्ट कर लिया और अब इसमें हम इसमें सिंग तेल का यूज़ कर रहे हैं, सिंग तेल का यूज़ कर रहे हैं। और ये देखिए अच्छे से, और चूँकि व्रत के लिए बना रहे हैं, आज हमारा सावन का व्रत है इसके लिए हम ये बना रहे हैं। और आप भी बना कर देखिए व्रत में, किसी भी व्रत में खाइए, बहुत अच्छा लगता है। और अब इसके आगे का हम प्रोसेस करेंगे, पहले इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे और ये चारों तरफ से तेल लगा कर ढक के रखेंगे। इसको हम ढक देते हैं, अब इस हो गए आधे घंटे जितना, अब इसका हम पेड़े बना लेते हैं। ऐसे सारे पेड़े बना लेते हैं और ऐसा हम बेल लेंगे, आराम से बिल जाता है। अब इसको हम तवे पर सेक लेते हैं, हमने गैस पे तवा रख दिया, उस पर तेल लगा लिया और अब इस पर हम सेकेंगे। आप तेल से सेकिए, देसी घी से सेकिए, व्रत का है, हम मूंगफली का तेल यूज़ कर रहे हैं, हम देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पर ऐसे डाल देंगे और मीडियम आँच पर इसको सेकेंगे। अब इसको हम पलट लेते हैं, दूसरी साइड भी हम इसमें तेल घी जो आपको लगाना हो आप लगा लेंगे और इसको दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। और इसको दूसरी साइड से भी हम, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। ये हमारा साबुदाने के पराठा है, साबुदाने और आलू का पराठा, बहुत अच्छा लगता है, व्रत के लिए बहुत अच्छी डिश है, आप ज़रूर बनाकर इसको ट्राई करिएगा एकदम। ये देखिए ऊपर से कुरकुरा, अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट। और अभी तक जो भी हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी नई नई रेसिपी आप तक पहुंचे। और इसको देखिए हम दोनों साइड से पलट के सेक लेंगे, इसी तरह हम और भी बना लेते हैं। ये देखिए हमने सर्व कर दिया है दही के साथ हमारे साबुदाने के पराठे, बनाकर ज़रूर खाइएगा और अच्छा लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।